हेलो स्टूडेंट वेलकम टू वॉट मफ क्लास एम जी पी रोखन यूनिवर्टी के सारे अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन द्वारा ना भूलें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगा एम जी पी 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 का बड़ा अपडेट एम जी पी रोखा यूनिवर्सिटी ने कुछ कोर्सेज के लिए ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कोर्सेज के लिए क्या है एम जेपी रोखन यूनिवर्सिटी ने नया एग्जाम पैटर्न न्यू गाइडलाइन जारी कर दिया है तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस समय अब थर्ड सेमेस्टर आएगा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी है तो एम जी पी रोखा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ा नोटिस जारी किया गया है कॉलेज स्तर पर तो सारे कॉलेज वाले को ये सूचित किया गया है एम जे यूनिवर्सिटी में आपको दिखा दूंगा क्या नोटिस है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम का पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ ना वो अभी तक एम जे यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में यही है कि आपकी जो लिखित परीक्षाएं होनी है ठीक है तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे काफी परेशान हैं तो उनको बता दू मैं आपकी एम नहीं होंगे आपके लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान है इस समय ठीक है बाकी एम जी पी यूनिवर्सिटी अगर बदलाव करती है तो मैं बता दूंगा लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या पेपर चेंज हुए हैं ये देखिए नोटिस एम जी पी यूनिवर्सिटी का 19 तारीख का नोटिस है उन्नीस एक दो को यहाँ पर लिखा है समस्त प्रचार और प्रचार संबंध महाविद्यालय रोखंड यूनिवर्सिटी महोदय महोदय अवगत करा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन दो के अंतर्गत सत्र 2022 और 23 के ने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी पाठ्यक्रम साहित्य और भाषा दोनों है यहाँ पे तो समस्त सेमेस्टर में एक ही प्रश्न पत्र होगा ठीक है तो आप देख लीजिए यहाँ पे आप पेपर एक पेपर के लिए यहाँ पे दिखा गया है कृपया उपयुक्त तो पाठ पठन का कार्यक्रम सुनिश्चित करने का कष्ट करें तो आपको ये एम जी यूनिवर्सिटी का नोटिस दिख रहा होगा इसमें आपको स्पष्ट हो रहा है कि इंग्लिश का यहाँ पे देखिए साहित्य और भाषा दोनों के लिए ठीक है तो लैंग्वेज यहाँ पे और ये देखिए साहित्य और भाषा दोनों के लिए यहाँ पे दे रखा है कि एक ही प्रश्न पत्र होगा तो आपका एक पेपर होगा इनमें आप देख लीजिए ये, ये अपडेट एम जे पी रेवन यूनिवर्सिटी की ऑफिसियल साइट पर भी दिखेगा आपको तो ये अपडेट आ चुका है एम जे पी रोखन यूनिवर्सिटी का यही आपको बताना था इसके साथ साथ मैं पैटर्न का पहले ही बता चुका हूँ कि कोई सा भी एग एग्जाम मतलब किसी भी सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर में आप किसी भी पार्ट में हो चाहे बी एस सी बी ए बी कॉम कुछ भी हो लेकिन आपका पेपर लिखित होगा लिखित परीक्षा होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट थैंक यू फॉर कमेंट थैंक यू फॉर सपोर्ट